गाइस मानवाज रहम विद अनदर वीडियो ऑन डे 5 ऑफ डे 100। सो गाइस अभी तक हमारी जो वीडियोज अपलोड हुई है वैसे 3 अपलोड हुई है, एक फ्रंट रोल की है, एक बैक रोल की है और एक ब्रिज की है। और लेकिन चौथी चीज़ हमारी कार्ट फील आती है, लेकिन मैंने कार्ट की वीडियो तो आप गाइस से बना ली है लेकिन अभी मैंने उसे अपलोड नहीं किया। रीज़न ये है कि अगर आप लोग अगर कार्ट फील की कुछ शेप ऐसी है जिसमें थोड़ी सी बॉडी की स्ट्रेच होनी लाती है, नहीं तो किसी ना किसी मसल में स्टिफनेस पैदा हो सकती है। तो इस वजह से मैं पहले कार्ट फील की कट स्टोरी देने से पहले जो है मैं एक बार सारी बॉडी की जो बेसिक स्ट्रेचिंग है जो कि वार्मअप करने के लिए ज़रूरी है या सिंपल वार्मअप करने के लिए, पहले स्ट्रेचिंग के मतलब बताते चलूँ। बेसिकली स्ट्रेचिंग जो होती हैं वो 3 तरह की होती है, एक बेसिक स्ट्रेचिंग होती है वार्मअप वाली, एक होती है फुल स्ट्रेचिंग में स्ट्रेचिंग वगैरह खोलते हैं, और एक तीसरी स्ट्रेच होती है रिलैक्सेशन वाली। तो हम इस वक्त वार्मअप वाली स्ट्रेच करने लगे हैं, हम स्प्लिट वाली नहीं कर रहे, वार्मअप वाली जिसमें आपके मसल में कोई ना कोई पेन ना निकले, तो ये वो स्ट्रेच है। तो गाइस आज मैं अकेला हूँ क्योंकि मैंने खुद ही परफॉर्म करनी है आपकी स्ट्रेच, तो अब मैं स्ट्रेचिंग तरफ जाता हूँ। तो उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखेंगे। उससे पहले कैसा चलूँ कि फ्रंट रोल, बैक रोल और ब्रिज की वीडियो मैं आपको ऊपर जो है लिंक दे रहा हूँ, तो आप गाइस से रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो भी लाकर देखें। शुक्रिया। तो गाइस जो वार्मअप स्ट्रेच है, तो उससे पहले आपको ये बता चलूँ कि बॉडी आप अपनी आपको आज वार्मअप वीडियो आप देखोगे ना, आपने इसको एक बार देखना है तो उसके बाद इंशाल्लाह आप भूलोगे नहीं। होता ये है कि आप बॉयज़ को हम वार्मअप बताते हैं तो वो भूल जाते हैं यार कौन सी स्ट्रेच पहले करनी है, कौन सी बात में करनी है। आज वो खुलिया बताने लगा जिसके बाद आप भूलेंगे नहीं कि कौन सी पहले या कौन सी बात में। तो गाइस आपने अपने हेड से स्टार्ट करना है। अब हेड में तो मसल ऐसा है नहीं जितनी वार्मअप की ज़रूरत है। फिर आपके फेस का है, आपको पता है फेस को आप मतलब ऐसे आप हिलाओगे झुलाओगे तो आपके जो मसल्स होते हैं 46 मसल्स होते हैं फेस में, तो उनका वार्मअप हो जाएगा, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद आता है नेक का मसल, तो आपने यहाँ से नीचे अपने अंगूठे तक जाना है। तो जो नेक के मसल्स हैं वो कैसे वार्मअप होते हैं और अगले कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सो नंबर 1 है हमारी नेक। सबसे पहले आपने नेक का क्या करना है, नेक की रोटेशन देनी है। सो ये रोटेशन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों तरफ की रोटेशन मैक्सिमम लेवल पे आपने इसकी स्ट्रेच करनी है, ठीक है। सो गाइस इस तरह से आप अपनी नेक की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है ये कॉलर, ठीक है, कॉलर, उसके बाद शोल्डर। ये शोल्डर नहीं है, ये कॉलर है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। इसकी इसका वार्मअप की स्ट्रेच देख लीजिएगा गाइस, फिर बताता चलो कि हम इस वक्त वार्मअप स्ट्रेच कर रहे हैं। तो वार्मअप स्ट्रेच जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी की जाती है ताकि हम उसके बाद गेम परफॉर्म कर सकें, जो हमने एक्टिविटी करनी है। ये नहीं कि वार्मअप के अंदर हम एक घंटा लगा दें, बाद में हमारे पास इतना टाइम ही ना हो गया हम कुछ कर सके। तो इसके लिए ये आपके कॉलर की है। उसके बाद गाइस आपके शोल्डर की बारी है। तो शोल्डर में पहले ये स्ट्रेच आप कर सकते हैं, रोटेशन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरे हाथ की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आपने दोनों हाथों को कंबाइन फॉर्म में चलाना है, ठीक है, देखिएगा जरा। ओके, सो ये आपके शोल्डर की होगी। हर एक्टिविटी को 20 से 25 टाइम्स आपने परफॉर्म करना है, मतलब रोटेशन है 20 से 25 टाइम्स, ये शोल्डर है, कॉलर है, हर एक्टिविटी को 20 से 25 टाइम्स। उसके बाद हमने क्योंकि बाजू को शोल्डर की है तो हम पहले बाजुओं को कवर कर लेते हैं, ठीक है, बाजू में। इसके बाद हमारे ये मसल आते हैं तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से, इस वक्त मैं बाइसेप और सिर्फ ट्राइसेप की कर रहा हूँ। उसके बाद हमारी कोहनी आती है, तो कोहनी की मैं बता दूँ, कोहनी के नीचे इस तरह से हाथ रखना है और इसको इस तरह से मूव करना है मैक्सिमम, ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरी कोहनी है, इसको इस तरह से मैक्सिमम मूव करना है। उसके बाद सबसे मेन मेरी नज़र में पार्कौर में सबसे मेन जो है ना, ये कलाई के मसल है। ये बेसिकली मसल नहीं है, ये कलाई में की हड्डी है जिसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। ये कलाई की एक इस जोड़ में 8 हड्डियाँ होती हैं। असल में होता यह है कि ये मजबूत भी बहुत है और नाजुक भी बहुत है। तो आपने इस इंजरी से बचना है, नहीं तो ये मेरी इंजरी जैसी हुई है, कम से कम मुझे 20 दिन हो गए कि मैं सही से गेम नहीं कर पा रहा। तो आपने मेरी गलती थी, ठीक है, लेकिन आपने इसमें गलती नहीं की। अब इसकी स्ट्रेचेज बताता चलूँ, नंबर 1 ठीक है फ्रंट और बैक, ठीक है, इसी तरह दूसरे हाथ नंबर 1 फ्रंट और बैक, ओके। उसके बाद ये करना है आपने, ठीक है, ये करना है। उसके बाद इस तरह से जोर लगाना है दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद उल्टे हाथ को खींचना है, ओके। तो गाइस इस तरह से आप बेसिक स्ट्रेच करके इसकी और अच्छे से आप गेम कर सकते हैं, आपकी कलाइयाँ डैमेज नहीं होगी। अब आपके बाजू का पोर्शन हो गया, नेक से ये वाला एरिया। अब आपने नेक से इस तरफ आना है। सबसे पहले बारी आएगी हमारी चेस्ट की, तो चेस्ट के मसल फ्रंट वाले हैं तो इसलिए इसका इतना मसला नहीं है। फिर भी आप करना चाहें तो आप इस रोटेशन में अपने हाथों को खोल के अपने चेस्ट के मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद आती है लोअर एब्स। लोअर एब्स में यही चलेगी, सेम एक्सरसाइज लोअर एब्स, ट्विस्ट आफ्टर
सॉरी साइड एक्स की आपने बस ट्विस्ट थोड़ा ज्यादा देना। ओके गाइस, इससे आपके साइड एब्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। अब आपकी फ्रंट एब्स की और बैक की, बैक और फ्रंट एब्स की मैं कंबाइंड स्ट्रेच बताता हूँ। आपने करना क्या है, आपने इस पोजीशन में खड़े होना है, ठीक है। अब आपने नीचे पर झुके टोस को हाथ रेस्ट करना है और ऊपर आके ये बैक स्ट्रेच करना है। देखिएगा, वन ऐसे पंप खोला और ये जहाँ पे कोल्हे की हड्डियाँ शुरू होती हैं वहाँ पे आपने अपने पंचित रखने हैं और यहाँ से ऊपर को स्ट्रेच करनी है। अगेन ये और ये ये सही हो गया। हर एक्टिविटी 20 से 25 टाइम्स परफॉर्म करनी है। तो हमारा इतना पोर्शन कवर हो गया स्ट्रेच में। अब इसके बाद बारी आएगी हिप की, लोअर थाई, अपर थाई, ठीक है, इसकी इसकी बारी है। अब हमने क्या करना है, हमने लेग्स को थोड़ा सा ओपन कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, आपने लेग्स को थोड़ा ओपन कर लेना है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ये एक्सरसाइज करनी है आपकी इच्छा है। ये कुछ एक्सरसाइज है जो मल्टी मसल पे वर्क कर रही है, तो ये वाली थोड़ी कर लीजिए ये फ्रंट। अब इसमें क्या है, लोअर लोअर थाई और हिप, इन दोनों की स्ट्रेच है। आगे को और पीछे की हाथ लगाने, आगे को और पीछे, ठीक है। इसमें लोअर थाई और हिप की है। अब उसके बाद आपको ने क्या करना है, आपने फ्रंट थाई की करनी है। फ्रंट थाई कैसे होगा, ये आपकी फ्रंट थाई है, ओके। इसमें फर्दर आप साइड एब्स क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा। इसमें क्या, इसे बटरफ्लाई कहते हैं। इसमें मेन जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आपने इस पॉम की तरफ जाना है तो आपने इसको स्लैप करना है आसमान की तरफ, ऊपर देखते हुए स्लैप करना है। इधर के ऊपर ये देखिए, आप इस तरफ देखिएगा, ये ऊपर देखते हुए स्लैप करना है। सही हो गया। अब ये आपकी पी एक्सेस हो गई। इसके बाद गाइस अब हम आते हैं, क्योंकि हमारी गेम पार्कौर है, हमने फ्लिप्स वगैरह ज़्यादा परफॉर्म करनी है। अपर बॉडी से ज़्यादा हमारी लोअर बॉडी अहमियत रखती है, तो हमने लोअर बॉडी पर वर्क ज़्यादा करना है। अब यहीं से मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज चेंज करूँगा जो हमारी अपर थाई, लोअर थाई और काफ मसल की होगी। अभी देखिए यहीं से मैं पोर्शन देखिएगा नुमान अबूसामा, आप ज़रा मैं साथ अपना पोस्चर चेंज करूँगा, ज़रा गौर से ये देखिएगा। ये पॉम की डायरेक्शन पूरी एक तरफ कर लूँगा, ठीक है। पॉम की डायरेक्शन एक तरफ होगी। अब यहीं से पिछली लेग बैंड और पिछली लेग स्ट्रेट और फ्रंट लेग बैंड होगी और ये वाली एक्सरसाइज करनी है आपने। इसमें आपकी क्या होगी, पिछली जो लेग है उसकी फ्रंट थाई और अगली लेग है उसकी लोअर थाई, इन पे स्ट्रेच होगा ये। इसी तरह से सेम पोस्चर में वापस आ गए जब से डायरेक्शन चाहिए। अब इसमें भी वही बात है, ये हाथ रखी जाती है राइट लेग के ऊपर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, के बाद आपने दोबारा सेम पोजीशन में आ जाना है। अब यहाँ से अगली एक्सरसाइज, पहले हमने पाँव की जो शेप है वो टर्न की थी, अब टर्न नहीं करनी। अब इसी में इसी शेप में आपने इस तरह से ये देखिए जो नी बेंड हुई है वो नी आपकी सामने की तरफ, ये नी बेंड हुई, ये नी सामने की तरफ ही है, ठीक है, और ये नी स्ट्रेट हो गई। अब ये देखिएगा, ठीक है गाइस। अब ये कोहनी के साथ मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ इस एरिया में, यहाँ क्या है लोअर थाई, ओके। इसके अलावा काफ मसल, इन दोनों की स्ट्रेच हो रही है। इसी तरह से दोबारा सेम पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ से ये, यहाँ से फिर मैं ये कोहनी के साथ इसको पुश कर रहा हूँ नीचे, ओके गाइस। तो इसके साथ मेरी फ्रंट थाई, बैक थाई, उसके अलावा काफ मसल, इन सब की स्ट्रेच हो गई है। अब बात यह है कि जिस तरह हमारे ये कलाई के मसल अहमियत रखते हैं, इसी तरह पॉम के मसल ये वाले जो जोड़ हैं ये अहमियत रखते हैं। अब हम इसकी स्ट्रेच करके स्ट्रेच कंप्लीट करेंगे। सो गाइस इस तरह से हमने अपने टोस के ऊपर आना है और 360 रोटेशन कह लेंगे, एक क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों तरफ की रोटेशन आपने देनी है। इसी तरह से दूसरे पॉम की एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इसके अलावा इसके लिए आप फर्दर एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि दीवारों में पेंट लगा मैं लगा नहीं सकता आपको। आप इस तरह से दीवार देखिए, दीवार के साथ ऐसे पंप खड़ा करके और अपने आप को दीवार में एक्सचेंज करके ये, इसी तरह से दूसरा पंप और ये, इसे आपकी लोअर थाई सॉरी लोअर काफ मसल और आपका ये जोड़ है इन दोनों की स्ट्रेच हो। आपने क्योंकि रोटेशन दी है पंप को, इसके अलावा आपके जो फिंगर्स के मसल्स हैं और जो बाकी पाँव के मसल्स हैं वो सब स्ट्रेच हो गए होंगे।
अब मैं आपको बताता चलूँ कि पाँव की बहुत अहमियत है हमारी गेम में, क्योंकि आपको खुद पता है कि जो लोअर साइड है फुट की, उससे आप कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा। तो आपने इस चीज़ पर फोकस करना है और पाँव की खसूसी पाँव की इंजरी पेन से बचना है। आप कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, आपने अपर बॉडी की इंजरी से मैक्सिमम बचना है। आप पार्कौर कर रहे हैं तो आपने लोअर बॉडी की इंजरी से काफ़ी बचना है। जैसे कि मेरी इंजरी है तो मैं एज अ पार्कौर मैं कुछ मूवमेंट से महरूम हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स मैं क्योंकि पाँव से करता हूँ तो मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता हूँ। सो गाइस आपने इन चीज़ें फोकस करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी कार्टविल की है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस हम आपके लिए नई से नई ट्यूटोरियल लेके आ रहे हैं, अभी डे 1 to day 100 पे वर्क हो रहा है। इंशाल्लाह इसी के अंदर हम आपको हर चीज़ सिखाएंगे मिनिमम इक्विपमेंट के साथ। अब आपने देखा कितना इक्विपमेंट यूज़ करते हैं इसके अंदर, वो लड़के बेशक गेम कर रहे हैं लेकिन वो नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ है। अभी हम लोग बेसिक लेवल पर कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह आपको इसी तरह से वीडियो देते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।